पंजाब ईंट भट्टा यूनियन एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पंजाब के अलग अलग जिलों से भट्टा मालिक पहुंचे और इस दौरान ईंट भट्टा मालिकों ने कहा कि पंजाब में कई इलीगल तौर पर भट्टे चल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा डालने के लिए विचार विमर्श हुआ और इस दौरान भट्टा मालिकों का कहना था कि पंजाब थोनू पता ही है कि पिछले दिनी काफी माड़े हालात रहे व्यापार दे, जो भट्टा उद्योग है एक तरह के डुब के किनारे उत्ते ही खड़ा सीगा। उस सिलसिले में अज पूरे पंजाब प्रदेश जो ब्रिकलिन एसोसीएशन उसकी मीटिंग लुधियाने हुई, लुधियाने मैं उन्होंने एज ए लुधियाना भट्टा मालक एसोसीएशन चेयरमैन होने के नाते उन्होंने इतने आया तो जी कहना उन्होंने, और सारी एसोसीएशन ने पंजाब लैवल पर फैसला किया कि 22 के 22 जिले सारे बैठे इतने भी जो NGT ने फैसला किया वा भट्टियां दे टाइम मन्निया उत्ते सारे सहमत आ, क्योंकि NGT ने फैसला लिता कि 150 दिन फायरिंग चलूगी, क्योंकि सर्दियों के जो पोल्यूशन का असर ज़्यादा बढ़ जाता, क्यों पराली के करके पिछे देख लो कि माड़ा हाल होया होनी, हजे कि बहुत घट ऐतकी जलाई गई पराली, फिर भी कि माड़ा हाल होया पोल्यूशन का, तो भट्ठा का 24 घंटे पोल्यूशन छड़ना होंगे भट्ठे ने। सो NGT ने फैसला लिता नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि 150 दिन फायरिंग चलूगी। जिहड़े इस टाइम चल रहे हैं वो सारे ही इलीगल चल रहे हैं, क्योंकि NGT ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑर्डर है जेडे कि 1 फरवरी तो ही पट्टे चल सकते, उस तो पहले चल नहीं सकते, तो जेडे चल रहे हैं तो इलीगल ही चल रहे हैं। मे बी पोलीटिकल शैल्टर होएगा उन्होंने, या इग्नोरेंस हो सकती है, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है और नहीं NGT ऑर्डर पालना करना चाहती, यही एक रीज़न हो सकते साड़ी समझ के।